अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत होंगे, आप सबके दोस्त मैं भी खैरियत हूँ। आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू मिर्ची बज्जी। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बॉइल्ड पोटैटो, 1 कप चॉप्ड ऑनियन, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 रेड चिली ड्राई जो मैंने फाइन चॉप करके रख लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर, कोथिमीर। यहाँ पे मैंने बेसन को ले लिया था मैक्सिमम 100 ग्राम्स। यहाँ पे मिर्ची को मैंने ऑलरेडी 3 से 4 टाइम अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब हम बेसन का बैटर बना लेंगे। ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा 2 पिंच बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 ग्लास वाटर। अब हम इसको अच्छे से बैटर बना लेंगे मिक्स करके। थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के अब अच्छे से हम मिक्स करके एक बैटर रेडी कर लेंगे। देखिए बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब हम आलू का स्टफ रेडी कर लेंगे। ऐड कर लेंगे बॉइल पोटैटो, अच्छे से मैश कर लेंगे। अब ऐड कर लेंगे चॉप्ड ऑनियन। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर लेंगे कोरिएंडर, कोथिमीर, रेड ड्राई चिल्ली जो मैंने फाइन चॉप करके रख लिया है उसको भी ऐड कर लेंगे, मसाले, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने मिर्ची, इसको अच्छे से कट करके अंदर से सारा क्लीन कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से क्लीन करके रख लिया है। अब हम इसमें अंदर से आलू का स्टफ कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे मिर्ची को अच्छे से आलू का स्टफ अंदर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है बैटर जो हमने ऑलरेडी बना के रख लिया था। अब यहाँ मैंने तेल को ऑलरेडी 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें मिर्ची को डिप करके बैटर में फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम में रखा है। अब हम टर्न करके भी इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू मिर्ची बज्जी को फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। जस्ट ट्राई वंस, ये बच्चों के लिए हेल्थी और यम्मी रेसिपी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।